मेरा पहला लोड है पोलैंड से। अपना सफर है लगभग 391 किलोमीटर। तो आराम से अपने खाना बना सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ। क्या प्यारा नजारा है, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो भाई रात को आपने देखा यार, मेरे को ना सामान रखते रखते लगभग 3 बज गए थे। और ये है जी अपनी गाड़ी मैन की। पहले भी मेरे पास मैन की गाड़ी थी जब मैं और राहुल साथ में थे, और फिर से मुझे गाड़ी मिली है मैन की। तो यार सुबह के 7 बज गए हैं और बाहर देखिए बड़ी अच्छी खासी धूप लगी है। तो रात को आपने देखा भाई कहाँ जंगल में गाड़ी पार्क करी थी अंधेरे में। रात को तो बिल्कुल बहुत घना जंगल लग रहा था, लेकिन अब देखिए सुबह थोड़ा बाहर का नज़ारा। तो सुबह के 7 बज गए हैं और अभी सबसे पहले फ्रेश होते हैं। गाड़ी को एक बार फिर से मैंने चेक कर लिया यार, और गाड़ी की जो डिटेलिंग थी उसकी फ़ोटो ले लिए हैं, उनको मैनेजर को अपडेट कर लेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भाई रात के अंधेरे में उतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं रहती, तो उस चक्कर में भाई आपको क्लियरली नहीं दिखता है कि गाड़ी में कोई स्क्रैच डेंट होगा। तो अब वो सारा इंस्पेक्ट कर लिया है। तो अब हो रहा है जी वेट अपने पहले टास्क का। रात को भाई मॉनिटरिंग को फ़ोन कर लिया था, तो उनसे अपडेट लिया कि कोई टास्क तो नहीं है। उन्होंने बताया कि आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो भाई मैं सुबह 3 बजे ना फिर सो गया था यार, और बढ़िया से नींद भी पूरी कर ली। भाई रात को भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अपने पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बना के खा लें। खाना बना हुआ था, सब्जी मैं बना के लेके आया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उसको गर्म कर लूँ। तो वैसे ही कुछ केक वगैरह खा के अपना टाइम निकाल लिया। अब देखते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद करते हैं कुछ खाने पीने का इंतजाम। तो जी नेविगेशन ऑन हो गई है। अपना सफ़र है लगभग 391 किलोमीटर और जा रहे हैं पोलैंड। एक बार बाहर से गाड़ी का फिर से कर लेते हैं चेकअप। अब सुबह का नाश्ता करते हैं पहले एप्पल के साथ। सुबह सुबह कुछ खाने का मूड नहीं है यार, और उसके बाद देखते हैं जब अपना नया काम आएगा। मैनेजर को सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि अपलोड कर ली है, तो अब वेट कर रहे हैं अपने टास्क का कि नया काम कहाँ से शुरू होगा और कैसे शुरू होगा। दोस्तों खुशी की खबर आ गई है, अपने को पहला लोड मिल गया है। मेरा पहला लोड है पोलैंड से। अभी मेरे को मैनेजर का फोन आया था और उन्होंने बताया कि आपकी लोडिंग है पोलैंड से, और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ पोलैंड। भाई सबसे पहले अपनी तैयारी, सबसे पहले ना अपनी टैब में कोऑर्डिनेट सेट कर लेते हैं, गाड़ी का प्रॉपर सारा सामधाम सारा सेट बिठा लेते हैं, और उसके बाद करते हैं अपना ट्रिप शुरू। और कोऑर्डिनेट सेट करके ही पता लगेगा कि कितना डिस्टेंस है, यहाँ से कितना दूर जाना है मुझे पोलैंड में, कहाँ से मेरी लोडिंग है। तो गाइज अपना सफर शुरू लिथुआनिया के छोटे छोटे रोड्स में। बाहर देखो भाई मौसम क्या मस्त हुआ है। अपना सारा सामान सेट जैसे मैंने बताया, मेन है भाई अपनी नेविगेशन, इस पे खास ध्यान दे। थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि अकेला आदमी भाई थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर होता है, बाकी दो आदमी हो तो दूसरे आदमी का बहुत सारा होता है, बातचीत हो जाती है और समय का भी नहीं पता चलता है। नहीं तो अकेला आदमी तो भाई अपने दिमाग में अपने ताने बाने में ही फंसा रहता है। यहाँ से पोलैंड बॉर्डर है लगभग 250 किलोमीटर, तो अपना फर्स्ट हॉल्ट में भी वहीं पे ही होगा नियर बाय। तो दोस्तों उन तंग गलियों से निकल के अभी आ गए हैं मेन रोड में। भाई लगभग 100 किलोमीटर लग गए मेन रोड तक आने आने में, और साथ में ही मुझे एक नया टास्क मिल गया है। मुझे टास्क आया है अब फ्यूलिंग का। तो जो मेरी मेन लोकेशन थी मैंने बताया था वहां से 400 किलोमीटर की थी पोलैंड लोडिंग की, लेकिन बीच में लगभग 200 किलोमीटर पे मुझे फ्यूलिंग आ गई है। लिथुआनिया से ही मेरी फ्यूलिंग है जो है लगभग पोलैंड बॉर्डर के पास ही, और उसके बाद निकलेंगे फिर अपने लोडिंग के लिए। ये अपना काम प्रॉपर हो उसके लिए मैंने दो दो देखिए नेविगेशन लगा रखी है, टैब में भी और अपने फोन पर भी, ताकि भाई गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो। जहाँ पे भाई फ्यूलिंग होगी वहाँ लगभग मेरे पहली शिफ्ट खत्म हो जाएगी, तो वहीं पर अपना खाना पीना भी करेंगे और 45 मिनट्स की रेस्ट भी वहीं पर करेंगे। अपने सारे काम निपट जाएंगे, फ्यूलिंग भी हो जाएगी, खाना भी हो जाएगा, और अपने साथ में 45 मिनट्स की रेस्ट भी हो जाएगी, और उसके बाद फिर अपनी सेकंड शिफ्ट करेंगे लोडिंग के लिए शुरू। तो अभी हम पहुंच गए हैं कॉनस, और यहाँ से निकलेंगे मरजम पोल की तरफ जहाँ से हम कल लाए, लेकिन भाई यहाँ पे ना ट्रैफिक का डाइवर्जन मिलना शुरू हो गया है। मैं अभी उधर से आया हूँ, वैसे वो रास्ता वो ब्रिज भाई इधर से निकलता था और आगे मेन रोड पे ज्वाइन करता था, लेकिन यहाँ पे ना ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है, तो अभी हम दूसरे रास्ते से कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखो भाई अभी हम पोलैंड की तरफ जा रहे हैं, और वो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया मिल गया है। अभी ना ये पूरा रास्ता भाई ऐसे ही काम वाला मिलेगा पोलैंड बॉर्डर तक, लगभग बीच बीच में ऐसा ही काम चला है, और इसमें लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। ऐसे छोटे रोड मैंने पहले भी बताया कि लातविया लिथुआनिया में ही मिलते हैं बस, और इनमें काम तो आपको पूरे यूरोप में मिलेगा यार। गर्मी का मौसम है तो
रोड कंस्ट्रक्शन आपको लगभग पूरे यूरोप में ऐसा ही मिलेगा। गाइज अभी हम पहुंच गए हैं व्यादा के पेट्रोल पंप में। यहां पर होगी अभी अपनी फ्यूलिंग, अपनी नहीं गाड़ी की, अपनी भी होगी साथ में, खुद भी रोटी खाएंगे यार यहां पर साथ में। 45 मिनट की ब्रेक करेंगे ना। पहुंच गए हैं, SMS कोड हमने कर दिया है ऑर्डर। अभी देखते हैं यहां पर गाड़ी लगा के एक बार, सबसे पहले डीजल भरवा लेते हैं। और यार टाइम भी हो गया है भाई, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, अब भूख लग गई है क्योंकि कल का खाना खाया है। तो यार जितने में आगे वाली गाड़ियां यहां पे फ्यूलिंग हो रही है तब तक भाई अपना पानी भर लेते हैं क्योंकि फिर आगे पानी की दिक्कत हो जाएगी। ये अपने पास भाई स्पेयर कैनिया है, इनको भर लेते हैं क्योंकि आगे वाली गाड़ियों को ना अभी टाइम लगेगा फ्यूलिंग के लिए। हमें वहाँ भरना है क्योंकि मुझे एड ब्लू भी भरवाना है ना, तो एड ब्लू का वहाँ पे है, तो वहाँ पे पीछे पानी भरने का भी जुगाड़ है। फटाफट पानी भी भर लेते साथ में भाई, अकेला बंदा हूँ फिर आगे ना दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास पानी रहेगा तो आराम से अपने खाना बना सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, यह सारे काम। पानी नहीं होगा तो दिक्कत होगी। ऐसे पेट्रोल पंप पर भाई टूटियाँ लगी होती है, अब इससे पानी भरते हैं एक बार। इसीलिए मैं अपना राशन भी बहुत लेके आया हूँ क्योंकि अकेले आदमी को ना या फिर दिक्कत होती है, क्योंकि मार्केट नियर बाई कई बार मिलती नहीं है। अपना राशन अपने पास हो तो दिक्कत नहीं होगी भाई। अपना डीजल भरना शुरू हो गया है, यहाँ पर भी मैंने अपनी नोजल लगा दी है और दूसरी तरफ भी भाई, ये देखिए यहाँ पर भी डीजल भरना शुरू हो गया है। अब डीजल भरवा लेते हैं और उसके बाद भरेंगे एड ब्लू, और अभी रिफर में भी तेल भरना है। फिर उसके बाद भाई अंदर जाएंगे, जो SMS कोड हमने बोला है, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, वो उनको बताएंगे और उससे पेमेंट हो जाएगी। तो भाई डीजल भरवा लिया है और डीजल भरवाते भरवाते भाई आधा घंटा लग गया। ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, अब देखते हैं फटाफट कुछ खाने पीने का इंतजाम और फिर निकलते हैं। यार यहाँ पे बहुत टाइम लग गया, अब क्या एक आदमी अकेला भाई क्या क्या करे। दोनों साइड की टंकियों में तेल भरना है, रिफर में तेल भरना है, एड ब्लू भरना है, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया अपना। तो भाई अभी पोलैंड में एंटर हो गए हैं, जस्ट बॉर्डर एंटर किया है अभी। ये देखिए अभी रोड बढ़िया खुले खुले रोड शुरू हो गए, वो कंस्ट्रक्शन वाला, और तंग तंग गलियों से निकल के भाई पोलैंड में एंट्री हो गई है। खाना खा लिया था और खाना खा के मैं निकल गया था। वो पेट्रोल पंप ना भाई जस्ट एकदम बॉर्डर पे था, एकदम बॉर्डर पे जस्ट 3 किलोमीटर पीछे है वो पोलैंड के, तो वहाँ पे तेल भरवा लिया, उसके बाद खाना खा लिया। बाहर तो यार है बहुत ज़्यादा गर्मी, और वहाँ से निकल गए हैं। अभी यहाँ पर भाई पुलिस वालों ने रोक लिया। यहाँ पर हमेशा बचकर चलें भाई, यहाँ पर पुलिस वाले हमेशा ही मिलते हैं बॉर्डर पे, आपको पुलिस वाले हमेशा ही मिलते हैं। जो भी भाई यहाँ आ रहे हो या जो जाते हैं उनको तो पता ही है, तो यहाँ पर पुलिस वालों से थोड़ा बच के। यहाँ से अपना सफ़र है लगभग 150 किलोमीटर का लोडिंग लोकेशन का, तो टाइम अपने पास है अभी, और आगे रास्ता भी अच्छा है, तो उम्मीद है आज अपनी लोडिंग हो जाएगी। बाकी देखते हैं एक बार कंपनी पहुँच के कि क्या हाल है। तो जी पोलैंड में आ गए हैं गांव में, ये देखिए क्या खूबसूरत गांव है, और देखिए भाई क्या जबरदस्त चर्च बनी है, देखो क्या खूबसूरत भाई, क्या प्यारा नज़ारा है। बिल्कुल गांव में आ गए हैं, गांव से सफ़र हो रहा है अपना, अभी लगभग 60 किलोमीटर है लोडिंग भाई अपनी। भाई करते कराते पहुंच गए हैं अपनी लोडिंग लोकेशन में, 3 किलोमीटर रह गया है बस, और शाम भी ढलने को आ गई है। तो दोस्तों कंपनी में तो पहुंच गए हैं लोडिंग लोकेशन में, ये अपनी गाड़ी खड़ी है और ये गेट। अब नेविगेशन तो यहाँ पर लेके आई है, लेकिन यहाँ पर भाई कोई ऑफिस में नहीं है, यहाँ पर एक लगा हुआ ड्राइवर के लिए रजिस्ट्रेशन का, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं है भाई दूर दूर तक पूछने के लिए। गाड़ियाँ तो बहुत खड़ी हैं, अब कंपनी तो कन्फर्म है कि यही है, लेकिन अब पूछें किसको ये दिक्कत है। अभी देखते हैं यार फटाफट अगर लोडिंग हो जाए, मुझे नहीं लगता कि लोडिंग हो जाएगी क्योंकि टाइम भी हो गया, 5 बज गए हैं। ये लो भाई, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, चलो इधर उधर हाथ पैर मारने से बात हो गई और लोडिंग के लिए बोल दिया है। अभी अपनी गाड़ी जाएगी पीछे गेट नंबर 1 पे लोडिंग के लिए, ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। अब उसको बोल दिया है अंदर भाई को गेट ऊपर करने के लिए, अब वो गेट कर लेगा ओपन और चलते हैं लोडिंग पे डायरेक्ट। तो यार लोडिंग के लिए तो बोल दिया, लेकिन सिक्योरिटी पोस्ट में ना यहाँ पे एंट्री हो रही है, अब यहाँ से अगर शिफ्ट लेके जानी है, तो इसने मेरा पासपोर्ट ले लिया है, पासपोर्ट पे एंट्री हो रही है अभी। TRC पासपोर्ट से एंट्री कर ली है मेरी, होता है कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में भाई। खुल गया है जी द्वार, और अब खोलते हैं अपनी गाड़ी का द्वार। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ये लगा दीजिए गाड़ी पीछे, देखो जरा कैसी लगाई आपके भाई ने गाड़ी, कुछ बनी बात, क्या बात है क्या बात है। वो देखिए भाई गाड़ी एकदम फिट,
ये देखो जी, इस तरफ से गाड़ी तो लगी फिट, बट थोड़ी सी आगे करनी पड़ सकती है, क्योंकि भाई जब इसमें लोडिंग होती है ना तो वजन पड़ता ही, सरफ बढ़ गई ना रिबड खराब हो जाती है। थोड़ा सा आगे कर लेंगे। मैं ना जब ऑफिस में गया था अभी अंदर, तो भाई मेरी ना नज़र वहाँ पे पड़ी थी बाथरूम पे, तो अभी पूछते हैं अंदर, अगर नहाने का जुगाड़ है ना तो सबसे पहले नहाने का प्रबंध कर लेते हैं, फिर खाने पीने का तो चलता रहेगा। तो यार जब तक गाड़ी लोड होती है तब तक यहाँ पर करते हैं स्नान पानी। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, आप उतने में गाड़ी करिए लोड। चलो बढ़िया हो गया, अपने को लोड नहीं करनी पड़ी, नहीं तो भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। चलो तब तक अपने को टाइम मिल गया अपने पर्सनल काम निपटाने का। जी अपनी गाड़ी लोड हो गई है और अपना लोड है इस बार कॉफ़ी, जा रही है कॉफ़ी इटली। तो करते हैं अपना कार्गो सिक्योर, वो बार्स लगा लेते हैं। चलो भाई लगी बार, हो गया कार्गो सिक्योर, अब लेते हैं CMR और करते हैं फिर डोर बंद। तो भाई CMR मिल गया और सिक्योरिटी के लिए रिसिप्ट मिल गई, साथ में मिल गई है सील। तो अब करते हैं सबसे पहले डोर बंद, गाड़ी को थोड़ा आगे कर लेता हूँ। तो ये लो भाई अपना दरवाजा, क्लोज करते हैं क्लोज। तो लो भाई गाड़ी हो गई लोड, CMR अपडेट कर दिया, सारे काम कर लिए और निकल रहे हैं जी कंपनी से बाहर। अब जाके बाहर ढूंढते हैं कहीं पे पार्किंग। तो गाइज मिलते हैं आपको पार्किंग में। यार यहाँ पे मौसम भी खराब हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे सिटी है, सिटी को क्रॉस करके देखते हैं कहीं पार्किंग। तो भाई निकल गए हैं सिटी से बाहर। अब जो मैंने जितना भी सिंगल रास्ता गांव वाला भाई इधर आया था, वो सारा वर्सावा तक वैसे ही गांव वाले रास्ते से निकलना पड़ेगा। यहाँ से वर्सावा है लगभग 180 किलोमीटर। तो अभी मेरे पास ड्राइविंग आवर्स रहते हैं लगभग 2 घंटे। तो बस इसी 2 घंटे में कहीं पार्किंग भी देखनी है और गाड़ी को पार्क करके भाई वहां पर हम अपनी 9 घंटे की रेस्ट शुरू कर लेंगे और अपना डिनर भी करेंगे। कल से लेके खाना नहीं खाया है यार, बस ऐसे कुछ हल्के फुल्के खाने से काम निपट रहा है, कभी केक तो कभी बिस्किट। तो दोस्तों मौसम चेक करो जरा एक बार, मौसम देखो भाई क्या खतरनाक बना है, जबरदस्त। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बादल यहीं गिर जाएगा भाई, क्या ही खतरनाक भाई खतरनाक। वो देखिए लाइट कैसे चमक रही है। गाइस रात के 10 बज गए हैं और मैंने अभी वर्सावा क्रॉस कर लिया है। यार पार्किंग नहीं मिलती थी तो पार्किंग ढूंढते ढूंढते ना बहुत टाइम लग गया, फिर मुझे यहाँ पे पार्किंग मिल गई। ये अपनी गाड़ी लगी है और ये देखिए पूरी पार्किंग भरी है। अब यहाँ पर करेंगे 9 घंटे का आराम और सुबह निकलेंगे भाई यहाँ से अगले सफ़र के लिए। तो गाइस बने रहिए वीडियो पे, मिलते हैं आपको सुबह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।